तो वही नट वगैरह खोल दिए, ये वाले नट जो है 12 नंबर से खुलते हैं, ठीक है। जो बाहर का था वो 10 नंबर से, ये वाले 12 नंबर से खुलते हैं। तो ये वाली लाइट अब निकाल लेते हैं हम। तो इस वाली लाइट को लगाएंगे भाई, रिफ्लेक्टर वाली है क्योंकि LED फिट करनी है। वो जो वाली लाइट देख रहे हो ना आप, ये वाली, तो इस लाइट का भाई फोकस जो है ज़्यादा तेज़ होता नहीं है, मतलब शौक या लाइट है वो सिर्फ। अब इस वाली लाइट को लगाते हैं। इसका रिफ्लेक्टर साफ है, इस वजह से मैं इस वाले को लगा रहा हूँ। जो मेरी इस स्प्लेंडर पे पहले से था एक रिफ्लेक्टर, वो थोड़ा नीचे से ख़राब हो चुका है। अब इसे खोलना है हमने, यहाँ पे एक क्लिप होती है, इसे नॉर्मल खोलना है आपको थोड़ा दबा के। कभी भी रिफ्लेक्टर रखें तो नीचे कपड़ा वगैरह रख लें, अगर ज़मीन पर करके रख रहे हो स्क्रैच पड़ जाते हैं वरना, ठीक है। ये खांचे मैच करने हैं आपको, जो होते हैं ना ये वाले, मतलब ये चीज़ें जो तीन इधर उधर से, ये लॉक मैच करने होते हैं। अब इसको जो है थोड़ा चौड़ा करके इसके नीचे डालूंगा, फिर मैं टाइट कर लूँगा इसे, तब दिखाता हूँ मैं। ये दोनों हाथों से हो रहा है यार, ये ऐसे कुछ भाई फिट हो चुका है। ये देखो अब लाइट कहीं नहीं जाती, ठीक है। पूरा लॉक लगाना है, ये देखो नीचे की तरफ से वो दबा के वहाँ इधर लॉक लग गया। तो अब इसको जो है नॉर्मल कनेक्शन दे देते हैं। कनेक्शन नॉर्मल यानी कि मेरे लिए तो नॉर्मल है, जैसे ये वाली बाइक है अपनी, तो इस पर भाई DC कनेक्शन पहले से है, यानी कि जो लाइट है उसका करंट से जो है बैटरी से है डायरेक्ट। ये वाली में एक्सीलेटर से है, यानी कि स्पीड तेज़ करोगे तो लाइट भी तेज़ जलेगी, स्पीड कम होगी तो लाइट भी बंद हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपकी LED लाइट आपके लिए ठीक नहीं है, उसमें आप नॉर्मल आपका जो हैलोजन बल्ब है, ये वाला हैलोजन, यही लगाना है। क्योंकि मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ आपको, LED लाइट जो है उसके लिए कनेक्शन पूरा बढ़िया चाहिए और करंट जो है पूरा फ्लो टाइट होना चाहिए उसके लिए। फ्लक्चुएट करंट होगा यानी कि कम ज़्यादा होती रहेगी तो LED कुछ टाइम में ही ख़राब हो जाएगी, भले ही आप कितनी महंगी ले लो। तो और हैलोजन के लिए तो नॉर्मल चली जाता है, तो इसलिए हमेशा जब भी करें तो DC कनेक्शन करें। वो मैंने पहले कर रखा है, वो आप देख सकते हैं, या गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ कई वीडियो मिल जाएंगी कि स्प्लेंडर पर DC कनेक्शन कैसे करना है, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। वायरिंग वाइज नॉर्मल थी, H4 कनेक्शन जो है अपनी लाइट का, ये यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है। इस पर अभी जो है वायरिंग का कनेक्शन हो चुका है, उस समय थोड़ा एक वायर यहाँ पे जो है छूट रही थी, वो मेरे ध्यान से हट गई थी। अब मैं चला के दिखा, चाबी ऑन है, ये नॉर्मल लाइट ऑन करी, ये जल गई। अभी आप देखना भाई, जब मैंने मेन लाइट खोलूँगा ना तो लाइट नीचे देखना, नीली लाइट कम होएगी, ये देखो ये तो जल गई फ्रंट की, है ना, ये कलर चेंज होता है इसका, ये पीली हो गई एंड ये वाइट पीली भी होती है। बट आप नीचे लाइट देखो, ये लाइट कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रंट की लाइट है हमारी, वो थोड़ा पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रही है और उसका असर पूरी बाइक पे दिख रहा है। तो हमेशा बाइक को, हमेशा अगर आप नॉर्मली भी कर रहे हैं तो बाइक को जो है स्टार्ट करके जो है ये सब करें। मैं तो क्या है, चलती रहती है बाइक, ये देखो एक पागल जा रहा है बाहर से। फाइनली जो है लाइट जो है फिट हो चुकी है, एंड पर्सनली यार मुझे ये वाली लाइट जो है ठीक लगती है रिफ्लेक्टर, इस वाली की बजाय जो ये वाली है। ऑल दो उसमें जो है कनेक्शन अच्छा लगता है, लुक अच्छी लगती है, बट आपको अगर यूजेस के लिए चाहिए, देखूँ मतलब रात के लिए अगर आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हो आप या ड्यूटी वगैरह वाले हो, तो भाई यही लाइट को रखना, उसमें लुक अच्छा बनता है। भले ही नीचे आप फॉग लाइट रख लो ऐसी, और ऊपर यही लाइट रखो, इसका जो है थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है रात के लिए। अंदर ही चलते हैं, थोड़ा अंधेरा इधर ही की तरफ है, ये आप देख रहे होंगे भाई पीला कलर का है ना। लाइट फिर बंद करूं, नीचे लाइट अच्छी लग रही है, अब फिर ऑन करूं तो देखो एक साइड येलो और एक साइड वाइट है। तो ये अपकमिंग मतलब कोहरे वगैरह के टाइम के लिए उससे ठीक है, एंड ये फिर बंद करी तो ये ब्लिंक और ये फिर वाइट। तो ऐसी कुछ आपको शायद रिस्पॉन्स पता लग रहा हो,
बाकी रात को जो है कैमरे में थोड़ा उतना एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि क्योंकि येलो वाली ठीक लग रही है मुझे, कोहरे के लिए तो ये बढ़िया है भाई। तो यही रूट रहता है बाय द वे। अब क्या है, पहले तो आसान होता था लाइट को टेस्टिंग करना, अब स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा लग गई है हर जगह, तो अंधेरी रोड कहीं है नहीं नज़दीक में, तो जितनी हो सकती है वहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई। कुछ भाई जो है लाइट है